अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन कनाडा विद रुखसाना। आज अब्दुल बासित का स्कूल का पहला दिन है और हम इसे छोड़ने जा रहे हैं। अब्दुल बासित, इज इट योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? यस इट इज। हाउ आर यू फीलिंग? गुड। एक्साइटेड? अब्दुल बासित माशाल्लाह ग्रेड टू में हो गया है। ग्रेड टू का आज इसका पहला दिन है। अब्दुल बासित के साथ सुलेमान भी उठ गया, दोनों को रेडी किया और लेके जा रहे हैं अब हम इन्हें। और ये अब्दुल बासित का स्कूल आ गया और अब गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे और मैं अब्दुल बासित को स्कूल छोड़ के आऊँगी। डिफरेंट गेट्स होते हैं डिफरेंट क्लासेस के, तो उन क्लासेस ने उन्हीं गेट्स में से एंटर होना होता है। एक ही गेट में से सब बच्चे नहीं जाते और अब्दुल बासित काफ़ी खुश है। मैं जब भी इसकी तरफ कैमरा करती हूँ तो बहुत प्यारी सी स्माइल देता है और अभी भी बहुत खुश बैठा हुआ है। और स्कूल में कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, कलर्ड कपड़ों में ही बच्चे स्कूल में जाते हैं और एजुकेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पे कोई फीस नहीं होती, इवन के बुक्स कॉपीज़ पेंसिल हर चीज़ स्कूल की तरफ से दी जाती है बच्चों को। और ये वो एरिया है जहाँ बच्चों को पेरेंट्स छोड़ते हैं, टीचर्स आके ले लेती हैं। इनकी टीचर्स बाहर खड़ी होती हैं। ग्रेड टू तक ही होता है कि टीचर्स ही लेती हैं और बच्चों को अंदर ले कर जाती हैं लाइन बना के इसकी। थ्री ग्रेड से फिर बच्चे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद ही चले जाते हैं, लेकिन ग्रेड टू तक टीचर्स अंदर भी लेके जाती हैं और जब छुट्टी होती है तो इनको बाहर भी छोड़ती हैं। जब तक पेरेंट्स के हवाले ना कर दें तब तक टीचर्स नहीं जाती। और ये प्लेग्राउंड है अब्दुल के स्कूल का, काफ़ी खुला और काफ़ी बड़ा है। सब पेरेंट्स बच्चे खड़े हुए, काफ़ी रौनक है क्योंकि स्कूल का पहला दिन है। अब्दुल बासित भी काफ़ी खुश है, उसको पता है कि उसकी लाइन कहाँ पर होती है जहाँ जाके उसने खड़ा होना है। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ग्रेड वन में लाइक थोड़ा सा ही जगह आगे पीछे होती है, ज्यादा नहीं होती है। या अब्दुल, हेलो बडी, यू आर माय क्लास टू, ओके, एंड सारा। और अब अब्दुल बासित और ये सारी इसकी क्लास फेलोज अपनी लाइन में खड़े होने के लिए जा रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं सारे बच्चे जाते हुए सुबह सुबह, इतने फ्रेश फ्रेश फेसेस। नहीं जी, अब्दुल बासित अपनी लाइन में खड़ा हो गया, बहुत प्यार आ रहा है इसको देख के मुझे सुबह सुबह। और अब ये इनकी टीचर इनको क्लास में लेके जा रही है लाइन में बच्चों को। अब्दुल, ये मैं और मेरी फ्रेंड है, हम छोड़ के जा रहे हैं। इनका बेटा भी अब्दुल बासित की क्लास में होता है, इब्राहिम नाम है उसका। तो हम छोड़ के बस अब बच्चों को वापस जा रही हैं। अब्दुल की छुट्टी का टाइम होने वाला है तो मैं उसको लेने आ गई हूँ। थोड़ा टाइम पहले ही आ जाती होती हूँ, ज़रा ईजी हो जाता है, बच्चा भी देख के खुश हो जाता है। अदरवाइज़ अगर कोई पेरेंट्स लेट हो जाए तो वो फिर टीचर लेके खड़ी रहती है और बच्चा भी देखता रहता है कब आए मेरे पेरेंट्स मुझे लेने के लिए। और मैंने सोचा खड़ी खड़ी आपको स्कूल की बिल्डिंग दिखा दूँ। ये स्कूल की बिल्डिंग है और इस गेट से अब्दुल बासित ने बाहर आना होता है। और ये अब्दुल बासित की क्लास आ गई, अब्दुल बासित भी मुझे नज़र आ गया। बस ये भाई अपने टीचर को बताएगा कि मेरी मामा मुझे लेने आ गई हैं तो फिर मैं इसको ले लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल माशाल्लाह काफ़ी खुश खुश आया है, छुट्टी के टाइम भी सुबह भी खुश था और अभी भी काफ़ी खुश है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि हाई स्कूल तक बिल्कुल फ्री होता है, कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए फिर बाद में आपको काफ़ी भारी फीसेस जो है वो पे करनी पड़ती हैं। और ये हम अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, ये लाइब्रेरी है बच्चों की, तो सोचा आपको जल्दी जल्दी ये भी दिखाती जाऊँ। और ये स्कूल का सारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट साइड है, ऑफिस वाली साइड है, पूरी ये स्कूल की बिल्डिंग है। अब्दुल बासित को स्कूल की बैक साइड से पिक एंड ड्रॉप अब्दुल की करनी होती है, तो ये स्कूल की सारी फ्रंट साइड है। सुलेमान खड़ा अब्दुल बासित का वेट कर रहा था और अब ये दोनों मिल रहे हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।